कोलकाता की लोकल ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं और हम जा रहे हैं सियालदा से दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर वही मंदिर जहाँ पर जिसकी प्रतिमा काली माँ की पूजा रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद आदि करते थे, तो बहुत ही फेमस मंदिर है। तो देखते हैं, और अभी हम लोकल ट्रेन में बैठे हुए हैं कोलकाता की लोकल ट्रेन। क्या नाम है सर उसका, स्टेशन का नाम? वो जहाँ पे बैठे थे दानपुरी, दानपुनी ट्रेन का नाम है। ये ट्रेन जो है वो दक्षिणेश्वर स्टेशन पर जाएगी, तो चलते हैं दक्षिणेश्वर मंदिर और करते हैं वहाँ के दर्शन। और ये अब हम आ चुके हैं दक्षिणेश्वर प्लेटफॉर्म पर। माता जी के चरणों में, दक्षिणेश्वर माता काली माता के चरणों में हम आ चुके हैं। और ये लोकल ट्रेन देखिए, इसी लोकल ट्रेन में हम आए थे। दक्षिणेश्वर, इसका इतिहास हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम मंदिर चलते हैं, देखते हैं क्या है, और दर्शन करने के उपरांत हम बेलूर मठ में भी जाएंगे। दक्षिणेश्वर डे 5, कोलकाता टूर डे 5। बहुत सारे पूजा के जो हैं, पूजा के सामान वाले, वो आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। वो आपसे मोबाइल रखने की रिक्वेस्ट करेंगे, जूते चप्पल की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे और सामान खरीदने के लिए कहेंगे। तो आप इनसे ले भी सकते हैं, और अगर आप नहीं भी लें तो आप सीधे मंदिर भी जा सकते हैं। धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। दक्षिणेश्वर माँ काली का भव्य मंदिर। यह मंदिर गंगा किनारे, यानी जिसे बंगाल में हुगली कहा जाता है, इसके पूर्वी तट पर स्थित माँ काली का भव्य मंदिर है। यह मंदिर अनेक सामाजिक मान्यताओं को तोड़ते हुए बनाया गया था। जी हाँ, इसका निर्माण एक शुद्ध महिला ने करवाया था, जिस कारण 1855 में, जिस समय अनेक सामाजिक मान्यताएं समाज में गहरी जमी हुई थी, उन्हें तोड़कर उनकी चुनौतियों का सामना कर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहते हैं जब 1855 में यह मंदिर बना, तब कोई भी ब्राह्मण पुरोहित इसकी पूजा करने को तैयार नहीं हुआ था। तब रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई इसकी पूजा करने को तैयार हुए, और उनकी मृत्यु के बाद स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने इसकी पूजा का दायित्व संभाला था। यह मंदिर 1855 में बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर के निर्माण में 8 लाख रुपए का खर्चा आया और 9 साल का समय लगा। मुख्य चौक, सपाट छतें, मेहराब और मीनारे इसकी शोभा हैं। हिंदू, इस्लामिक और यूरोपीय शैली में यह मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर 9 मीनारे हैं, जिस कारण इसे नवरत्न मंदिर भी कहा जाता है। बंगाल में नवरत्न मंदिरों में यह मंदिर मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहीं पर 12 शिवलिंग भी हैं, एक चौक है, एक अहाता है, इसके दूसरी तरफ नदी हुगली बहती है, और प्रवेश द्वार करने पर माँ काली का भव्य मंदिर हमें दिखाई देता है। यह पूरा मंदिर बनारस के टाइल्स से बना हुआ है, एक भव्य मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। चलिए बात करते हैं इसके निर्माणकर्ता की। जी हाँ, इसका निर्माण करवाया था रानी रोशमणि ने। वह एक शुद्ध महिला थी, जिसकी शादी गांव के जमींदार के साथ हुई थी। यह अपने महल में ही इन्होंने रहकर अपनी शिक्षा पूरी की, और
बिजनेस की बारीकियों को समझकर एक सफल बिजनेस वूमन बनी। इनके जो पति थे वह राजा राम मोहन राय के दोस्त थे। धीरे धीरे इन्होंने व्यापार में कुशलता हासिल की, परंतु 40 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई। कहते हैं कि देवी माँ ने स्वयं इनके सपने में आकर इन्हें वो स्थान बताया जहाँ पर मंदिर की स्थापना की जानी चाहिए। तब इन्होंने अपना राजकोष खाली करने के बाद 8 लाख रुपये खर्च करके काली माँ का भव्य मंदिर बनाया। देवी रोशमणि को ही आज के ज़माने में बंगाल की लोक माता समाज की देवी कहा जाता है। इसके पुजारी का पद पहले तो रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई ने संभाला, उसके बाद उन्होंने स्वयं काली माँ की आराधना की। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस को साक्षात देवी माँ ने दर्शन दिए थे। रामकृष्ण परमहंस स्त्रियों के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा रखते थे कि वे अपनी पत्नी को भी देवी मानकर पूजा करते थे। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर, भव्य काली मंदिर, जय माता।